शुरू अल्लाह के नाम से जो हमारे दिलों को नूर से मुनव्वर करता है और जिसने हमें लोहे जैसी धात से नवाजा ताकि हम अपनी ज़रूरत का साजो सामान बना सकें। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वालों को ज़ुहेब हसन का सलाम। मेरा ताल्लुक रहीम यार खान से है और आज ये जो गेट आप देख रहे हैं ये इंशाल्लाह हैदराबाद में जाएगा डॉक्टर फारूक भाई के घर। डॉक्टर फारूक भाई का जो घर बन रहा है उन्होंने कहा था कि घर गेट फिटिंग होने के बाद ज़ुहेब भाई हमने पेंट करवाना है और टच इस तरह का देना है कि वाइट कलर का और हैश वाइट जो सी है उसकी CNC होगी, तो इस लिहाज से मैंने टच देना है। आप सिर्फ रेड ऑक्साइड गेट को कर दीजिएगा ताकि जंग वगैरह से बच सके। तो आप देख सकते हैं कि गेट का जो सा बैक व्यू है वो भी माशाल्लाह अच्छी तरीके से मजबूत तरीके से हमने बेंडिंग करके बनाया हुआ है और फ्रंट व्यू जो सा है वो भी। इसी के साथ हमने एक और गेट, आज मैं आपको एक वीडियो में दो गेट आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये जो गेट आप देख रहे हैं ये बाजवा भाई का गेट है जो कि सियालकोट में हमने डिलीवर किया था। आज जो सा जुमे का दिन है आज ही उनको ये गेट रिसीव हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने रिसीव ये गेट करके काफ़ी खुश हुए हैं। वो ख़ुद तो बाहर रहते हैं, जर्मनी का एक दारुल हुकूमत है वहाँ पर रहते हैं, मगर जो सा उन्होंने ऑर्डर हम मुझे वहाँ से दिया था और सियालकोट के साथ ही उनका गाँव है वहाँ पर हमने इसको डिलीवर किया था। तो माशाल्लाह इन्होंने ये गेट देख कर काफ़ी खुश हुए। और इसी के साथ में मैं आपको दूसरा गेट जो कि डॉक्टर साहब का गेट है हमारी वर्कशॉप की दूसरी जानी में जो पड़ा था मैंने इसकी वीडियो आपको स्टार्ट में दिखाई, मैं दोनों के बारे में बात कर लेता हूँ। ये जो आप डॉक्टर साहब का गेट देख रहे हैं ये 16 गेज में बना हुआ है और चादर के बैक साइड पर जो सा फ्रेम लगा हुआ है वो 14 गेज में बना हुआ है। इसकी जो CNC है वो भी 14 गेज में बनी हुई है क्योंकि इससे कम गेज में जो सा इस तरह के डिज़ाइन में लचकपन था, इसी वजह से इसको 14 गेज में कर दिया गया। ओवरऑल आपको गेट माशाल्लाह अच्छा नज़र आ रहा होगा। इसमें रेड ऑक्साइड किया हुआ है जिसको आम जुबान में अस्तर भी बोलते हैं या कच्चा रंग बोलते हैं, तो ये जंग वगैरह को सिर्फ रजिस्ट करेगा, ये लॉन्ग लास्टिंग के तौर पर नहीं है। लॉन्ग लास्टिंग के लिए एनामल का पेंट ही सही रहता है, जिस तरह की ये जो सा हमने सियालकोट वाले के गेट को किया हुआ है। सियालकोट का जो सा गेट है ये टोटल 14 गेज में बना हुआ है और काफ़ी मतलब ये बाजवा हाउस का गेट काफ़ी भारी काफ़ी वज़न में था ये गेट ना, और काफ़ी इनको पसंद भी भाइयों को आया।